हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं। ये टोल जो है 12 बजे का टोल है और यहाँ हमारा फास्टैग रिचार्ज नहीं था गाइस, तो हम फिर से गाड़ी लगाने घुमा उल्टा घुमा के फिर ऐसे खड़ा कर लिए। फिर हमने ब्रश किया और हमारा फास्टैग रिचार्ज हो गया है, तो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं। हेलो गाइस, हम आ गए हैं 12 बैसा बॉर्डर और यहाँ पर देखिए ये गाड़ियों की चेकिंग मतलब कांटा हो रहा है, MBI कांटा पर यहाँ पर है। और इसके बाद गाइस हम आसाम घुस जाएंगे। हाँ ठीक सुना गाइस आपने, हम आसाम घुस जाएंगे क्योंकि हम आसाम जा रहे हैं। इसलिए गाइस आसाम का नजारा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल, मेरे इस ब्लॉग, मेरे इस वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, कांटा करा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए बाय बाय। हम आसाम घुस चुके हैं। ये देखिए, ये पहले आसाम का बॉर्डर हुआ करता था। यहाँ पर गाड़ियाँ पार होने में 3-4 दिन लग जाती थी, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो अभी डायरेक्ट बस वो MBI कांटा करने के बाद आराम से आसाम घुस सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ियों की चेकिंग होती है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है, उसके बाद हम आसाम घुस जाते हैं। आसाम तो हालांकि हम घुस चुके हैं। आसाम घुस चुके हैं गाइस और आगे आसाम का व्यू देखने के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए। चलिए आपको आसाम की तरफ ले जाता हूँ।
हेलो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको आसाम का नज़ारा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों हमारा टायर एक टायर पंचर है, तो हम यही दुकान में रुके हैं टायर बनाने के लिए, लेकिन जो टायर मिस्त्री है वो अभी नहीं है, तो उसके आने तक हम वेट करेंगे और उसके बाद टायर बनाने के बाद हम निकलेंगे। ऐसे तो खाली तो पार्टी भी बोल रहा है हम लोगों को, अभी बुला रहा है, बोल रहा है कि जल्दी आने से खाली कर देगा आज को ही, लेकिन अब टायर पंचर हो गया तो क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं, टायर पंचर हुआ तो टायर बनाना ही होगा, टायर बनाने के बाद ही निकलेंगे, तो हम टायर बना लेते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू। देखो गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है और अच्छा से हो रहा है बारिश, मजा ही आ गया यार। बहुत बहुत गर्म लग रहा था, बहुत गर्म लग रहा था। हम तो सोचे थे कि आसाम आने के बाद बारिश नहीं मिलने वाला, ऐसा गर्मी था, लेकिन खैर हमसे कम अब बारिश हुआ। अब दिल को सुकून आया, थोड़ा थोड़ा करार आया। देखिए दोस्तों बारिश का नजारा, One hour later. दोस्तों पंचर तो हमारा बन गया, बट अब गाड़ी अनलोड होना मुश्किल है क्योंकि अभी भी 50 किलोमीटर बाकी है और अभी बोल रहा है पार्टी वाला, बोल रहा है अब आज खाली नहीं होगा, कल खाली होगा, कल खाली होगा। तो दोस्तों अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो इस टाइम को टाइम वेस्ट करने के लिए देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक हमारे पास टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज रोटी वोटी बना के खाते हैं, कितने दिन होटल में खाएंगे। सारा राशन लिया है हमने लेकिन खाया नहीं, आज हम बनाते हैं कुछ। ठीक है दोस्तों, दिया देखिए इतना कचरा हो रखा है, पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ए साफ हो जा, साफ हो जा, साफ हो जा, साफ हो गया। ये देखिए गाइस कितना बेहतरीन नजारा, लेकिन गाइस अब नजारा वजारा से काम नहीं होगा, अब बनाना होगा हमें खाना। तो खाना बनाने में गाइस मुझे बहुत आलस आता है, तो गाइस ठीक है आप लोग बने रहिए, मैं अपना खाना बना देता हूँ, चिंता मत करिए, उसका भी थोड़ा सा क्लिप आपको लिए डाल दूंगा। चलिए बाय। ओके गाइस, बाय बाय, मुझे खाना बनाना होगा। ठीक है बाय बाय बाय।
later.